दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है साबरमती की सहायक नदी, बी है कच्छ केरण, सी है अरब सागर और डी है माउंट आबू। दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कच्छ के कारण। दोस्तों लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावणी श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ केरण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चिड़िया लोक खादान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सी, झारखंड। दोस्तों चिड़िया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिड़िया लोह खादान भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क खादान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लोह अयस्क भंडार मौजूद है। इस खादान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है जलीय पौधे, बी है अलगल ब्लूम्स, सी है मैनग्रोव और डी है भूमध्य सागरीय वन। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सी, मैनग्रोव। दोस्तों मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरवन में मैनग्रोव पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है मैग्नेटाइट, बी है हेमेटाइट, सी है लिमोनाइट और डी है सिडराइट। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ये, मैग्नेटाइट। दोस्तों मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी कम होती जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है अरब सागर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ये, हिंद महासागर। दोस्तों सुंडरा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनूहोल और काबनी किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है नर्मदा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ए, कावेरी। दोस्तों कावेरी नदी पश्चिम घाट में कर्नाटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी। इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 1901 से 1911, बी है 1911 से 1921, सी है 1921 से 1931 और डी है 1931 से 1941। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है बी, 1911 से 1921। दोस्तों 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर थी। इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री और डी 25 डिग्री। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी, 15 डिग्री। दोस्तों समानता 15 डिग्री देशांतर पर समय में एक घंटे का अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए कपास कपड़ा उद्योग, बी है रेशम उद्योग, सी है पेट्रोलियम उद्योग और डी है सीसा उद्योग। दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी रेशम उद्योग। दोस्तों कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्राका बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, यह गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी है तीस्ता और डी है दामोदर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 5 सेकंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ये गंगा। दोस्तों फर्राका बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।